साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कमाल की कंस्ट्रक्शन मशीन इन्वेंशंस के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये है स्कैटसी। इस कमाल की मशीन का इस्तेमाल प्लास्टर को फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। इसमें आगे की तरफ एक सर्कुलर ट्रोवेल लगी है और इसमें पीछे की तरफ एक लंबा सा हैंडल दिया गया है। इसके हैंडल की मदद से इस ट्रोवेल को इजीली प्लास्टर के ऊपर चलाया जा सकता है। इसमें आगे लगी सर्कुलर प्लेट लगातार रोटेट होते रहती है, जिस वजह से प्लास्टर को काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मिलती है। और ये मशीन फ्लोर के साथ साथ दीवारों पर भी फिनिशिंग देने का काम करती है। और दीवारों पर फिनिशिंग देते समय इसके ऑपरेटर को अपनी पीठ के ऊपर वाटर टैंक लेकर चलना होता है, क्योंकि दीवारों पर फिनिशिंग के समय पानी की भी इसमें आवश्यकता होती है। ये है रोल ऑल। ये एक कमाल का पेंटिंग ब्रश है। इसका इस्तेमाल राउंड या फिर स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स को पेंट करने के लिए किया जाता है। इस ब्रश टूल में दो ब्रशेस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाया गया है, जिस वजह से इस ब्रश टूल की मदद से गोल या फिर स्क्वायर पाइप्स पर काफ़ी आसानी से पेंट किया जा सकता है। और इस ब्रश के पीछे हैंडल लगाकर इसकी लेंथ को भी बढ़ाया जा सकता है और ऊंचाई वाली जगह पर भी आसानी से पेंट किया जा सकता है। ये है कॉन्क्रीट स्टैम्पिंग। कॉन्क्रीट के फ्लोर या फिर सड़क बनाने के बाद उस पर इन स्टैम्प रोलर द्वारा डिज़ाइन डाली जाती है। इसमें सबसे पहले कॉन्क्रीट को अच्छी तरह से फिनिश किया जाता है और इस कॉन्क्रीट फ्लोर के ऊपर इस तरह के स्टैम्प रोलर को चलाया जाता है। इस स्टैम्प रोलर को काफ़ी सावधानी से धीरे धीरे कॉन्क्रीट के ऊपर चलाया जाता है। इस तरह से इस स्टैम्प रोलर का प्रिंट कॉन्क्रीट पर आ जाता है। इस तरह की कॉन्क्रीट स्टैम्पिंग ज़्यादातर वॉकिंग ट्रैक्स के ऊपर की जाती है। ये है वॉलपेपर स्ट्रिपिंग। इस कमाल की मशीन की मदद से दीवार पर लगे पुराने से पुराने पेंट को हटाया जा सकता है। इस मशीन के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इस मशीन में एक स्क्रैपिंग डिस्क लगाकर इस मशीन को दीवार पर चलाया जाता है, जिससे ये डिस्क दीवार के पेंट को कुरेद देती है। अच्छी तरह से कुरेद देने के बाद एक वाटर स्प्रे की मदद से इन कुरेदी गई दीवारों को गीला किया जाता है। जब दीवारें अच्छी तरह से गीली हो जाती है तो फिर इस मशीन में शेविंग ब्लेड लगाकर इसे फिर से दीवारों के ऊपर चलाया जाता है। फिर ये मशीन दीवारों पर लगे पेंट को इजीली हटाते जाती है। गीला होने की वजह से ये पेंट पपड़ी बनकर दीवारों से आसानी से हटते जाता है। इस तरह से ये मशीन दीवारों पर पुराने से पुराने पेंट को काफ़ी आसानी से हटा सकती है। ये है स्पिन स्क्रीड। कंक्रीट की सड़कें तेजी से बनाने के लिए इस तरह के स्पिनिंग रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के रोलर्स की मदद से टाइम और लेबर दोनों की ही बचत होती है। सरफेस पर कंक्रीट को डालने के बाद इस रोलर को दो वर्कर के जरिए दोनों तरफ से पकड़कर चलाया जाता है। बैटरी से चलने वाले इस रोलर में एक वाइब्रेटिंग मोटर लगी है, जो कि रोलर को लगातार वाइब्रेशन के साथ घुमाते रहती है। इस रोलर को दोनों वर्कर अपनी ओर लगातार खींचते रहते हैं और इसमें बीच में खड़े कुछ वर्कर इसमें कंक्रीट को लेवल करते जाते हैं। इस रोलर के नीचे आने वाला कंक्रीट इसके वाइब्रेशन से दबकर एकदम सेट होते जाता है। इस तरह से आजकल काफ़ी तेजी से कंक्रीट की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ये है रैटल स्टिक। इस तरह के टूल का इस्तेमाल भी कॉन्क्रीट की सड़कें या फिर कॉन्क्रीट के बड़े बड़े फ्लोर बनाने के लिए किया जाता है। ये टूल एक वाइपर की तरह दिखता है और इसमें पीछे की तरफ एक लंबी सी स्टिक लगी होती है, जिसकी मदद से इसे दूर खड़े होकर भी काफ़ी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें भी फ्लोर पर कंक्रीट को अच्छे से बराबर कर देने के बाद इस रैटल स्टिक को इसके ऊपर चलाया जाता है। यह भी बैटरी से चलने वाली मशीन है। इसमें भी आगे की तरफ एक बड़ी सी वाइब्रेटिंग मोटर लगाई गई है। जब इस मशीन को कॉन्क्रीट के ऊपर चलाया जाता है तो इसके मोटर के वाइब्रेशन से कॉन्क्रीट प्लेन होकर सेट होते जाता है। इस तरह से इस रैटल स्टिक को इस कॉन्क्रीट के ऊपर 2-3 बार चलाने से ये सरफेस को अच्छी तरह से सेट कर देता है। यह है डिग्गर ट्रेंचर। ये एक ट्रेंचिंग मशीन है जो कि सड़क को खोदने का काम करती है। इस मशीन अटैचमेंट में आगे की तरफ एक चेन ट्रेंचर लगा है, जो कि सड़क को खोदते जाता है। इस चेन ट्रेंचर की खास बात यह है कि यह सड़क को एक फिक्स साइज में खोदते जाता है, जिसमें कि सिर्फ एक फाइबर केबल या फिर वाटर पाइपलाइन जा सके। और साथ ही इस ट्रेंचर में खोदी गई मिट्टी को दूर हटाने के लिए भी एक सिस्टम लगा है, जो कि रोटेट होते हुए मिट्टी को साइड में करते जाता है। ये है ट्रिलानी इंसुलेशन। इस तरह के फोम इंसुलेशन का इस्तेमाल यूरोपियन कंट्रीज में घर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। आइसिनिन नामक ये केमिकल दीवारों के लिए एक अच्छा इंसुलेशन माना जाता है। इस केमिकल का स्प्रे जैसे ही दीवारों पर किया जाता है तो ये कुछ ही देर में फोम की तरह फूलने लगता है और वापस बाहर की ओर आने लगता है। इस तरह से इस केमिकल स्प्रे से पूरे घर को इंसुलेट किया जाता है। और जब ये फोम पूरी तरह से फूल जाता है तो फिर फाइनली इसके एक्स्ट्रा पार्ट को एक ब्लेड के जरिए दीवार के फेस में काट दिया जाता है।
यह है वॉकवे मेकिंग। इस तरह के वॉकवे बनाने के लिए एक लोहे के फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्रेम में चार पेयर उल्टी सीधी ब्रिक्स का डिज़ाइन होता है। इसमें सबसे पहले इस फ्रेम को रखकर इसमें सीमेंट और रेत का मिक्सर भरा जाता है। सीमेंट और रेत के मिक्सर को इसमें काफ़ी अच्छे से दबा दबा कर भर दिया जाता है। फिर इस मिक्सर के भरने के बाद इसमें ऊपर की तरफ से सूखी सीमेंट डाली जाती है और फिर सीमेंट डालने के बाद इसे वापस से प्लेन कर दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही इस फ्रेम को हटाया जाता है तो ये ब्रिक्स का डिज़ाइन निकल कर इसमें आ जाता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स की मदद से डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं। यह है प्लास्टर लेइंग टूल। इस टूल का इस्तेमाल दीवार बनाते समय उस पर प्लास्टर लगाने के लिए किया जाता है। इस टूल को दीवार पर रखकर इसमें मसाला डाला जाता है और फिर इसे धीरे धीरे आगे खिसका लिया जाता है। इस टूल की मदद से दीवार पर मसाला एक काफ़ी फिक्स अमाउंट में लगता है, जिससे दीवारों में फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। इस तरह के प्लास्टर लेइंग टूल का इस्तेमाल कंक्रीट ब्लॉक की दीवारें बनाने के लिए भी किया जाता है। इस टूल का इस्तेमाल कंक्रीट ब्लॉक की दीवारों के बीच में प्लास्टर बिछाने के लिए भी किया जाता है। इस टूल की मदद से इन ब्लॉक्स के बीच में काफ़ी सही अमाउंट में प्लास्टर को बिछाया जा सकता है, जिससे इन ब्लॉक्स की दीवारें बनाने का काम भी काफ़ी तेज़ी से किया जा सकता है। ये है ऑटोमेटिक प्लास्टर मशीन। इस प्लास्टर मशीन की मदद से अब दीवार पर प्लास्टर का काम काफ़ी जल्दी से निपटाया जा सकता है। प्लास्टर के लिए सबसे पहले इस मशीन को दीवार के पास सेट करना होता है और फिर इसके बकेट में प्लास्टर को भरना होता है। प्लास्टर के भरने के बाद इस मशीन का एक बटन प्रेस करते ही ये मशीन दीवार पर प्लास्टर लगाना शुरू कर देती है। ये मशीन प्लास्टर को दीवार पर चिपकाते हुए ऊपर की ओर बढ़ते जाती है, जिससे प्लास्टर दीवार पर काफ़ी सफाई से लगते जाता है। आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टर दीवार पर कितनी सफाई से लगते जा रहा है। एक बार चलने के बाद फिर इस मशीन को थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लिया जाता है और इसे फिर से वहाँ सेट किया जाता है और फिर इसके कंटेनर में फिर से प्लास्टर भर दिया जाता है और फिर इसका एक बटन प्रेस करते ही ये मशीन फिर से दीवार पर प्लास्टर लगाना शुरू कर देती है। जहाँ एक दीवार पर प्लास्टर करने में एक कारीगर को पूरा दिन लग सकता है, वहीं ये मशीन इस काम को कुछ ही मिनटों में निपटा सकती है। ये है मल्टी ट्रॉवेल। ये एक नॉर्मल ट्रॉवेल नहीं बल्कि एक रेडियस एडजस्टेबल ट्रॉवेल है। इसमें लगी स्टील ब्लेड्स को मल्टीपल शेप में एडजस्ट किया जा सकता है। इसकी ब्लेड को एडजस्ट करके गोल पिलर्स और राउंड सरफेस पर इजीली चलाया जा सकता है। इस ट्रॉवेल की मदद से गोलाई वाली जगह पर प्लास्टर और पुट्टी दोनों ही काफ़ी आसानी से की जा सकती है, जबकि एक नॉर्मल फ्लैट ट्रॉवेल की मदद से ये काम करना इम्पॉसिबल है। यह है कॉर्टेग। इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल घर बनाने के बाद दीवारों में इलेक्ट्रिक वायर डालने के लिए नालियां बनाने में किया जाता है। इस मशीन को दीवार से लगाकर चलाया जाता है। इस मशीन में अंदर की तरफ शार्प ब्लेड्स लगी हैं, जो कि दीवार में आसानी से नालियां बनाते जाती है और दीवार को काटते समय इसमें धूल ना उड़े, इसलिए इस मशीन में नीचे की तरफ एक वेस्ट पाइप दिया गया है, जिसमें कि धूल नीचे होकर इसमें से निकल जाती है। यह है जेस टूल। इस कमाल के टूल का इस्तेमाल कंक्रीट पिलर बनाने के लिए ज़मीन में खड्डा खोदने के लिए किया जाता है। ये मशीन अटैचमेंट ज़मीन से मिट्टी को खोदकर बाहर निकाल देता है। ये एक स्पेशल अटैचमेंट है जो कि मिट्टी को अंदर से काफ़ी चौड़ाई में खोदता है, जिससे ज़मीन में पिलर को काफ़ी अच्छा बेस मिल पाता है। इस तरह की मशीनें भी कंस्ट्रक्शन के काम में तेज़ी ला रही है। ये है वॉल ब्लॉक। इस तरह के प्लास्टिक के ब्लॉक का इस्तेमाल घर में टेम्परेरी वॉल बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास भी टाइम कम है और आप अपने घर में भी टेम्परेरी पार्टीशन करना चाहते हैं, वो भी बिना तोड़फोड़ किए, तो आप भी इन मॉड्यूलर वॉल ब्लॉक्स को ऑनलाइन मंगवा कर अपने घर में टेम्परेरी पार्टीशन कर सकते हैं। इन ब्लॉक्स को इंस्टॉल करना भी काफ़ी आसान होता है। बस आपको इन ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखते जाना होता है। ये ब्लॉक आपस में खुद ही इंटरलॉक हो जाते हैं। इस तरह से आप इन ब्लॉक की मदद से काफ़ी आसानी से अपने घर में टेम्परेरी वॉल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सभी एडवांस कंस्ट्रक्शन मशीनें पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।